एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, जैसे कि शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और तोता। इन सब के बीच गहरी दोस्ती थी और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे सभी जानवर बहुत प्यार करते थे। वह पेड़ बहुत ही पुराना था और उसके नीचे हर रोज सभी जानवर इकट्ठे होते थे। उस पेड़ के नीचे सभी अपनी समस्याएं सुलझाते थे और साथ में हंसते खेलते थे। एक दिन जंगल में एक नया बाघ आया। वह बहुत ही ताकतवर और चतुर था, लेकिन उसके मन में बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है और किसी से भी नहीं डरता। जब उसने जंगल के बाकी जानवरों को देखा तो उसने सोचा, इन कमजोर जानवरों से मुझे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही राजा हूँ। जंगल में खरगोश भी रहता था जो बहुत ही तेज और चालाक था। खरगोश को हर कोई पसंद करता था क्योंकि वह सबकी मदद करता था और बहुत हंसमुख था। एक दिन बाघ और खरगोश की मुलाकात हुई। बाघ ने घमंड भरे स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे छोटे और कमजोर जानवर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुमसे दोस्ती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। खरगोश ने शांति से जवाब दिया, शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, दोस्ती और समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। बाघ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। वहां पानी की भारी कमी होने लगी और जानवरों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। सभी जानवर परेशान थे और सोच रहे थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। बाघ को छोड़कर सभी जानवर एक साथ मिलकर समस्या का हल ढूंढने में लगे थे। शेर, जो जंगल का राजा था, ने सभी को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या को मिलकर हल करना होगा। अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो कोई भी समस्या हमारे सामने बड़ी नहीं होगी। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी कि सभी जानवर मिलकर नदी तक एक रास्ता बनाएंगे जिससे पानी जंगल तक पहुंच सके। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। बंदर पेड़ों पर चढ़कर रास्ते की जांच कर रहा था, हाथी अपने बड़े पैरों से रास्ता बना रहा था और खरगोश अपनी चतुराई से निर्देश दे रहा था कि किस तरह का रास्ता बनाना है। जब बाघ ने देखा कि बाकी सभी जानवर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसे बुरा लगने लगा। वह अकेला था और उसके पास कोई दोस्त नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अकेले रहकर वह इतनी बड़ी समस्या को हल नहीं कर सकता। अचानक बाघ को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया था, लेकिन वहां उसका पैर कीचड़ में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने दम पर बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उसे डर था कि बाकी जानवर उसकी मदद करने नहीं आएंगे, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। खरगोश ने बाघ की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने बाकी जानवरों को भी बुलाया। शेर, हाथी, बंदर और कई अन्य जानवर भी बाघ की मदद करने के लिए आ गए। सभी ने मिलकर बाघ को कीचड़ से बाहर निकाला। बाघ ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हें दोस्त नहीं माना। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब यही होता है बाघ भाई, हम मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन हमारी दोस्ती और साथ से तुम सुरक्षित हो गए। उस दिन के बाद बाघ का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उसे समझ आ गया कि जंगल में अकेले रहना संभव नहीं है। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन बिना दोस्तों के कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और कहा, अब मैं भी तुम्हारी तरह इस जंगल में मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। सभी जानवरों ने बाघ को गले लगाया और उसे अपना दोस्त मान लिया। अब बाघ भी उनके साथ पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बातों को साझा करता था और अपनी गलतियों से सीखा हुआ सबक याद रखता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हैं तो आप अकेले पड़ सकते हैं। मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना
और समय पर सहारा देना ही सच्ची दोस्ती का परिचायक है। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है और कोई भी समस्या तब तक बड़ी नहीं होती जब तक हम एक दूसरे का साथ देते हैं।